बहोरीबंद कटनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अल्टो कार से 90,000 की शराब के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। इनमें से 2 पुलिसकर्मी हैं जो कि जबलपुर में पदस्थ थे। बहोरी थाना पुलिस द्वारा इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़ी गई शराब दमोह जिले के कुमारी शराब दुकान से जबलपुर क्षेत्र में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी लंबे समय से शराब के इस अवैध कारोबार में लिप्त थे, जिनके खिलाफ अब गिरफ्तार होने के बाद कार्रवाई की गई। 29-26 है, सिलेक्टी वो ग्रे कलर की है, काले रंग की, वो पकड़ी गई। पकड़ने पे उसमें जो 3 लोग बैठे थे उसमें से 2 खाकी ड्रेस पहने बैठे थे, एक जो सिविल में बैठा था। तीनों से पूछताछ की गई तो सिविल वाले ने अपना नाम योगेश साहू निवासी कटंगी अभी वर्तमान में जबलपुर में ही रहता है और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों में से 7 के सिपाही हैं। तो इसमें पहला वाला जो सिपाही है उसका नाम है मनोज असैया है, इसका नंबर है 135 और ये थाना कोतवाली में जबलपुर में पदस्थ है और वहाँ से ये 25/9/2020 को ये क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन ये क्वारंटाइन ना रहते हुए इस कामों में लिप्त है। दूसरा आरक्षक है जिसका नाम है राम नरेश तिवारी और इसका नंबर है 1627, इसका नंबर है, ये भी कोतवाली में पदस्थ है और ये 29/9 से ये अनुपस्थित है थाने से। ये तीनों मिलके आजकल यही काम कर रहे थे, इस सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया और इन तीनों से उसमें कुल मिला के पेटी में और बैग में जो शराब मिली है वो 900 क्वार्टर हैं, लगभग 162 लीटर शराब है, मसाला शराब है। और ये कुम्हारी गांव में जो ठेका है, कुम्हारी में कुम्हारी थाना है, वहाँ जो ठेका है उसका जो ठेकेदार है संजय राय।